Hello everyone, welcome back to my channel Reality 360 Degree. This is your host cum property advisor Jolly Yadav. आज की मेरी इस वीडियो में हम सोसाइटी शॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सोसाइटी शॉप्स क्या हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, साथ ही मैं आपको अलग अलग बजट सेगमेंट में कुछ सोसाइटी शॉप्स भी सजेस्ट करूंगी जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सोसाइटी शॉप्स क्या हैं? बेसिकली आजकल हर एक अच्छी सोसाइटी में खुद का एक मार्केट प्लेस होता है जो कि रेसिडेंट्स की रोजाना की जरूरतों के लिए बनाया जाता है, साथ ही आसपास के लोग भी इसे एक्सेस करते हैं. सो इन्हीं मार्केट प्लेसेस में बने शॉप्स को सोसाइटी शॉप कहा जाता है. आमतौर पर इनमें बेसिक चीजें ही मिलती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी आइटम्स, फार्मेसीज, एटीएम्स एक्सेट्रा. सोसाइटी शॉप्स को रेसिडेंट के कन्वीनियंस के लिए बनाया जाता है ताकि उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के लिए दूर नहीं जाना पड़े और उनका टाइम एंड फ्यूल बचे. पर दोस्तों, क्या आपको इन सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, टू बी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. आपका मोटिव क्या है, आपकी नीड क्या है, प्लस क्या आपकी नीड इस पर्टिकुलर शॉप से फुलफिल होगी या नहीं. मोटिव से मेरा मतलब है कि आप सोसाइटी शॉप खरीद क्यों रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं या आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज नीड. क्या आपको इस सोसाइटी शॉप की वाकई में जरूरत है? अगर आप एक सोसाइटी शॉप अपने खुद के लिए खरीद रहे हैं जिसमें आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी सोसाइटी शॉप में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी लोकेशन को देखना चाहिए कि अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहां के नेबरहुड से कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, फुटफॉल कितना रहेगा, नज़दीक में कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट में रहती है या फिर आने वाले समय में कितनी पॉपुलेशन वहां पर रहेगी. नेक्स्ट, आपको नीड एनालिसिस करना होगा कि अगर आप वहां एक शॉप लेते हैं तो उसमें बिजनेस क्या करेंगे. ऐसे बिजनेस जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं जो उस एरिया की डिमांड को समझ जाते हैं एंड उन्हें वही सप्लाई करते हैं जिसकी वहां सबसे ज्यादा डिमांड है. पर अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको बस देखना चाहिए लोकेशन, क्योंकि शॉप अगर अच्छी सोसाइटी या अच्छे एरिया में है तो जाहिर है आप वहां से काफी अच्छे रिटर्न्स ले पाएंगे. नाउ फाइनली कमिंग टू द रीजंस एज टू व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन सोसाइटी शॉप्स. वेल, सोसाइटी शॉप्स रेंट पर काफी जल्दी चली जाती हैं एंड एक एवरेज सोसाइटी में शॉप का रेंट मिनिमम 40,000 से 50,000 पर मंथ रहता है. रेंट कैन ऑल्सो गो अप टू 1 to 2 lakhs depending on the society and neighborhood. Plus, अगर आप अपना खुद का business भी set up करते हैं तो आप अच्छा revenue generate कर सकते हैं अगर आप एक shop society के अंदर लेते हैं. एक normal society में at least 700 से 800 families रहती हैं, plus आसपास के लोग अलग रहते हैं, यानी कि आपको footfall काफी अच्छा मिल जाता है and आपका business अच्छे से run हो पाता है. इनफैक्ट अगर आप अप्रिसिएशन लेकर शॉप को रीसेल भी करना चाहते हैं तो वो भी इजीली हो जाता है, अनलाइक मॉल्स रिटेल शॉप जिन्हें रीसेल करने में काफ़ी दिक्कत आती है. सोसाइटी शॉप्स जल्दी रीसेल हो जाती हैं. सोसाइटी शॉप्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम रहती है. इनफैक्ट अगर आप एक स्टेडी मंथली इनकम के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कमर्शियल शॉप्स हमेशा बेस्ट रहती हैं, क्योंकि एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से बेहतर रिटर्न्स एंड मंथली इनकम कोई दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी ऑफर नहीं करती है. सो यू गेट बेस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ सोसाइटी शॉप्स. दोस्तों, आप सोसाइटी शॉप्स क्या हैं और क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये तो जान ही चुके हैं. अब मैं आपको 3 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जिनमें सोसाइटी शॉप्स अवेलेबल हैं सेल के लिए.
तीनों प्रोजेक्ट एक दूसरे से काफी अलग हैं इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, प्राइसिंग एंड प्रोजेक्ट साइज. सो आप लोकेशन एंड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अपने लिए इनमें से सोसाइटी शॉप फाइनल कर सकते हैं. On number one is Amatra Vasundhara Plaza, located in Sector 5, Vasundhara, Ghaziabad. Amatra Vasundhara Plaza Vasundhara के बेहद ही posh residential area में स्थित है और इसके 500 मीटर के रेडियस में कम से कम 5,000 plus families रिसाइड कर रही हैं. Amatra Suites project एक commercial project है जिसमें सिर्फ fully furnished suites हैं, जो कि या तो लोगों के सेल्फ यूज के लिए हैं या लोग इन्हें रेंट पर देंगे. एंड ग्राउंड लेवल पर यहाँ अमात्रा वसुंधरा प्लाजा डेवलप किया गया है. प्लाजा में टोटल 40 शॉप्स हैं, सभी ग्राउंड लेवल की हैं एंड कुछ शॉप्स फ्रंट फेसिंग रहेंगी, कुछ बैक साइड फेसिंग एंड रिमेनिंग शॉप्स साइड व्यू के साथ रहेंगी. वसुंधरा प्लाजा में आपको साइज में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं. यहाँ शॉप मिनिमम 104 स्क्वायर फीट के साइज के साथ शुरू हो जाती है एंड मैक्सिमम साइज 1703 स्क्वायर फीट का रहेगा. सो यू हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ साइजेस टू चूज फ्रॉम. पेमेंट प्लान 50-50 है एंड करंट बीएसपी इज ₹17,500 पर स्क्वायर फीट. वसुंधरा प्लाजा में काफी अफोर्डेबल सेगमेंट में शॉप्स हैं. इस एरिया में एक बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की कमी है, जिस वजह से वसुंधरा प्लाजा सक्सेसफुल साबित होगा. ऑन नंबर टू इज कासा ग्रांडे बाजार. प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5 में स्थित है एंड एडीएस कासा ग्रांडे 2 का पार्ट है. ये एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है जिसमें फ्रंट में एक कमर्शियल टावर है जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स एंड ग्राउंड लेवल में सिर्फ सोसाइटी शॉप्स हैं. प्रोजेक्ट में अराउंड 700 प्लस यूनिट्स हैं जिसमें अराउंड 1500 टू 2000 रेसिडेंट्स रहेंगे. इसके अलावा प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइनिंग पूर्वांचल रॉयल सिटी है, निम्बस है, प्लस 500 मीटर्स के रेडियस में कई रिनाउंड सोसाइटीज हैं जिसमें ईजिली 10,000 टू 15,000 की पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है. कासा ग्रांडे बाजार में कंप्लीटली ग्राउंड फ्लोर शॉप्स हैं. देर आर ओनली 25 शॉप्स इन टोटल, जिनमें कई शॉप्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं. कुछ शॉप्स फ्रंट रोड फेसिंग हैं एंड कुछ सोसाइटी फेसिंग हैं. फ्रंट में 13 शॉप्स हैं जिनका साइज मिनिमम 338 स्क्वायर फीट से शुरू हो जाता है एंड मैक्सिमम साइज गोज अप टू 801 स्क्वायर फीट. रिमेनिंग साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर प्रेजेंट हैं. वहीं सोसाइटी फेसिंग 12 शॉप्स हैं जिसका मिनिमम साइज 287 स्क्वायर फीट है एंड मैक्सिमम साइज इज 380 स्क्वायर फीट. रिमेनिंग साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर प्रेजेंट हैं. पेमेंट प्लान इज 50-50 एंड डाउन पेमेंट. रेट्स की बात की जाए तो फ्रंट फेसिंग शॉप्स की बीएसपी ₹35,000 पर स्क्वायर फीट है, वहीं सोसाइटी फेसिंग शॉप्स की बीएसपी ₹32,000 पर स्क्वायर फीट है. रेट्स नेगोशिएबल हैं एंड आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे. स्टूडियोज रेडी टू मूव इन है एंड शॉप्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड पोजेशन के लिए रेडी हैं. लोकेशन एंड हैवी फुटफॉल की वजह से ये सोसाइटी शॉप्स भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एंड आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. लास्टली ऑन नंबर 3 इज आरजी लग्जरी सोसाइटी शॉप्स. प्रोजेक्ट की लोकेशन नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 16B की है. इनफैक्ट एक मूर्ति से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये लोकेशन रहेगी. दिस इज ऑल्सो अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड पूरी सोसाइटी 18.5 एकर्स के एरिया में बनी हुई है एंड फेज 1 का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है एंड लोग भी मूव इन कर चुके हैं. आज ही लग्जरी होम्स में अराउंड 5,000 प्लस रेसिडेंट्स रहेंगे. इनफैक्ट नेबरहुड की भी बात की जाए तो ये वेल डेवलप्ड सेक्टर है एंड मेजरली यहाँ पर सभी प्रोजेक्ट्स ऑक्यूपाइड हैं. इस सेक्टर की अराउंड 10,000 की पॉपुलेशन है.
प्रोजेक्ट के फ्रंट में आरजी स्क्वायर है जिसमें अराउंड 90 शॉप्स हैं, बट मैक्सिमम शॉप्स इनमें से सोल्ड हो चुकी हैं एंड बस अब लगभग 20 शॉप ही बची हुई हैं सेल के लिए। साइज में काफ़ी वेरिएशन मिल जाती है, यहाँ मिनिमम 231 स्क्वायर फीट की शॉप है एंड मैक्सिमम साइज 2050 स्क्वायर फीट का है। मेजरली अभी इन्वेंट्रीज अराउंड 450 स्क्वायर फीट के साइज में है। पेमेंट प्लान 50-50 है एंड BSP इज 28,000 पर स्क्वायर फीट जो कि निगोशिएबल है। आज ही लग्जरी होम्स की सबसे बड़ी USP उसकी लोकेशन है। एक मूर्ति की प्रॉपर्टी है, 3 मेजर मॉल्स, साया साउथ एक्स, फ्यूजन यूफेरिया बिल्कुल इसके 50 मीटर्स के रेडियस में है, सो यहाँ फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अप्रिशिएशन एंड मंथली रेंटल के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है नोएडा एक्सटेंशन में। सो गाइज, दीज वर द बेस्ट 3 सोसाइटी शॉप्स दैट कैन गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के सोसाइटी शॉप में आप इंटरेस्टेड हैं या उनके बारे में फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू एंड वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल Reality 360 Degree for more such videos. Thank you for watching.